सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट के बारे में, बाइक के बारे में ओवरऑल डिटेल आज अपन लोग कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कलर ऑप्शन से। सो टोटल दो कलर ऑप्शन में एवेंजर 160 स्ट्रीट अवेलेबल रहने वाली है। रेड आज अपने पास अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्यूल टैंक और साइड पैनल जो है ये रेड कलर में रहेगा। बाकी फ्रंट भी और रियर मडगार्ड भी आप लोगों को मिलने वाला है ग्लॉसी ब्लैक में। बाकी इंजन का सेटअप काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर ना अच्छा मिल जाता है, एक पावर भी इनफ मिल जाता है और कंप्लीट एक ग्लॉसी ब्लैक वाला ट्रीटमेंट लोअर बॉडी पे भी देखने को मिलने वाला है। सेकंड कलर ऑप्शन रहता है ब्लैक। इस टाइप से टोटल दो कलर ऑप्शन हो जाते हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 1.42 142,000 ऑन रोड जयपुर एवेंजर 160 स्ट्रीट आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है। हेलोजन में ही कंप्लीट ओवरऑल लाइटिंग सेटअप है। इग्निशन ऑन करते हैं तो इग्निशन यहाँ पे एवेंजर में आप लोगों को पता ही है साइड प्रोफाइल पे रहता है स्टार्टिंग से ही। इग्निशन के साथ कोई भी लाइट सेटअप यहाँ पे आप लोगों को ऑन नहीं रहने वाला है। हेलोजन में लाइटिंग सेटअप है ग्लास कवरिंग के साथ। सो ये कवरिंग ग्लास में कंप्लीट मिलने वाली है। एक काउल भी यहाँ पे फ्रंट में डार्क थीम में मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है एंड्यूरेंस का, प्लस ब्रेकिंग भी यहाँ पे आप लोगों को एंड्यूरेंस की ही मिलने वाली है। सिंगल चैनल एबीएस के साथ 280 mm फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है 90-90-17, तो 90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। फ्रंट मडगार्ड काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप पे यहाँ पे रबर कवरिंग भी देखने को मिल जाती है। इस टाइप से कुछ अपना फ्रंट पार्ट कंप्लीट होता है। ये रहा आपका अलॉयज का शेप और टायर का पैटर्न। यह आ जाता अपना रिफ्लेक्टर जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। इस टाइप से जैसे कि शेप एवेंजर में चला आ रहा है वही वाला रियर व्यू मिरर आप लोगों को यहाँ पे अभी भी मिलने वाला है। ब्रेक लीवर क्लच लीवर विथ रबर कवरिंग। साइड प्रोफाइल से बाइक देखते हैं तो एवेंजर ना देखो अपने कंफर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वही चीज़ यहाँ पे अभी भी एक मेंटेन्ड है। सीट हाइट कोई भी ज़्यादा नहीं है, 745 mm की ही सीट हाइट रहने वाली है। शॉर्ट हाइट में कोई भी इशू नहीं होने वाला। प्लस सीट का साइज़ और शेप आप लोग देख सकते हो, पिलियन के लिए भी लो सीट है प्लस राइडर के लिए भी लो सीट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे तो और ज़्यादा ना ये कर्व आ जाता है। प्लस कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पे फील होगी। साइड पैनल पे 160 सीट और स्टीकरिंग इस टाइप से फ्यूल टैंक पे भी देखने को मिलेगी। एवेंजर का एम्बलम यहाँ पे आ जाता है। रियर लुक बाइक का कुछ इस टाइप का बन जाता है। रियर टायर देखते हैं तो रियर टायर यहाँ पे मिलने वाला है 15 इंचेस का 130 सेक्शन का। ये रहा अपना टायर का पैटर्न। रियर में मिल जाता है 130 mm ड्रम। कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप भी यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है जिसकी वजह से काफ़ी इफेक्टिव ब्रेकिंग मिलने वाली है। रियर सस्पेंशन सेटअप वही एंड्योरेंस का है तो, और ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सेटअप मिल जाता है मल्टीपल वे एडजस्टमेंट के साथ। यहाँ पे आप लोग ये एडजस्टमेंट भी देख सकते हो। ये रहा अपना एग्जॉस्ट का सेटअप। ग्लॉसी ब्लैक कलर टोन में आप लोगों को मिलती है हीट शील्ड, फुट पैक प्लस एक शू प्रोटेक्टर के लिए यहाँ पे आप लोगों को मेटल वाला पार्ट भी मिल जाता है। और इस टाइप से अपना फ्रंट रहने वाला है स्प्रिंग वाला राइडर के लिए। और ये रहा आपका ब्रेक लीवर। इंजन का सेटअप कंप्लीट अपना ग्लॉसी ब्लैक में ही रहने वाला है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो 160.3 सीसी का यहाँ पर आप लोगों को एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। 15 bhp का पीक पावर है और 13.7 nm का यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क रहने वाला है। इग्निशन भी अपना रेगुलर जगह पे ना हो करके साइड प्रोफाइल पे मिलने वाला है। इस टाइप से कुछ की का सेटअप यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा सा भैया नॉइज़ का इशू हो सकता है पर उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि यहाँ पर ही बजाज का ना सर्विस सेंटर भी बैक साइड पे ही है। ये रहा अपना टेल लैंप का सेटअप। इग्निशन ऑन के साथ देख लेते हैं, टेल लैंप तो ऑन नहीं है। सो नहीं जी, यहाँ पर रियर वाला लाइटिंग सेटअप भी कोई भी ऑन नहीं रहने वाला। नंबर प्लेट का क्लैंप आ जाता है। ये रहा टेल टाइडी और वही अपना सारा कुछ हेलोजन में ही सेटअप हो जाता है। ग्रे रेल सिंगल पीस में ही है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एक ना रबर की सॉफ्ट टच वाला फील भी आ जाता है। राइडर पे भी कुछ इस टाइप का बन जाता है। स्विचेस देख लेते हैं तो स्विचेस की शेप और सेम साइज़ वगैरह सब कुछ सेम है जैसे कि एवेंजर में हमेशा से आ रहा है। क्लच का फील काफ़ी लाइट है। ये है अपना पास वाला स्विच, हेलोजन का थ्रो, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर। इस टाइप से सिंगल बजर में काफ़ी लाउड होने, एवेंजर की ब्रांडिंग यहाँ पर भी आ जाती है और कंप्लीट एक ब्लैकआउट वाला सेटअप है। राइट साइड पे किल स्विच है प्लस हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच है प्लस ये है अपना स्टार्टर। तो पहले सुन लेते हैं एग्जॉस्ट नोट। LED वाला जो पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था तो वो यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा LED में एक पार्ट मिल जाता है जो कि DRL भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। और ये रहा हेडलैम्प ऑन होने के बाद अपना लुक। तो हेडलैम्प का थ्रो भी काफ़ी डिसेंट है, हेलोजन के साथ थ्रो काफ़ी अच्छा बनी जाता है। और ये रहा अपना रियर लाइटिंग सेटअप। नंबर प्लेट का जो बल्ब है ये भी अपना हेलोजन में ही रहने वाला है। और ये रहा आपका एवेंजर 160 स्ट्रीट का MID सेटअप। सो MID में देख लेते हैं क्या कुछ है। सारा कुछ सेटअप यहाँ पर आप लोगों को एनालॉग में ही मिलने वाला है। 140 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग रहने वाली है। एक डिजिटल विंडो मिल जाती है, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग मिलेगी, प्लस ट्रिप मीटर भी सिंगल ही मिलने वाला है। उसके अलावा ऑडोमीटर और इस टाइप से चेंज करते हैं, ये आ गया ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर। सिर्फ दो ही चीज़ यहाँ पे मिलेगी, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलने वाली। तो इस टाइप से कुछ ये हो जाता है अपना
फ्यूल गेज जो कि रहेगा फ्यूल टैंक और सारी वार्निंग लाइट्स भी इस टाइप से कुछ आपको फ्यूल गेज पे ही देखने को मिलेगी इसी वाले पार्ट पे। ये अपना फ्यूल कैप ग्लॉसी ब्लैक में E20 का स्टिकर मिल जाता है, बाकी ये वाला पार्ट आपका रहेगा मैट ब्लैक में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है 13 लीटर की, टोटल 13 लीटर का यहाँ पर आप लोगों को मेटल में फ्यूल टैंक मिलने वाला है। अपोजिट साइड से इंजन का टेक्सचर कुछ इस टाइप का है, ड्यूल हेड में गियर लीवर है, ड्यूल में ही स्टैंड का सेटअप है, सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड दोनों मिल जाता है, चेन का सेटअप ओपन वाला है, साड़ी गार्ड जो कि रिमूव हो नहीं है। यहाँ से आ रही है भैया आवाज़, ये ना फुल एकदम फुल पावर वॉशिंग ऑन है, अब बंद हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर ही शोरूम का जो वॉशिंग एरिया या फिर सर्विस सेंटर कह सकते हैं ना, तो वो इसी साइड में है, बैक साइड में, जो कि कस्टमर्स के लिए काफ़ी इजी है पर कंटेंट क्रिएटर के लिए ना ये चीज़ थोड़ा सा हार्ड हो जाती है। एंड्योरेंस की ब्रेकिंग है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंड्योरेंस की मार्किंग भी मिल जाती है, प्लस सस्पेंशन भी यहाँ पे एंड्योरेंस का ही मिलने वाला है। वापस से शोर शुरू हो चुका है और अपना वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। प्राइसिंग आप लोगों को मिली चुकी है 1.42 1,42,000 ऑन रोड जयपुर एवेंजर 160 स्ट्रीट आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, नॉइज़ जो आई उसके लिए भैया सॉरी है। करता अपने ये वाला वीडियो एंड और मिलता है अगली वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे, तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपके गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।